एक बार एक शिष्य जाता है गुरु के पास और जाके पूछता है, गुरुदेव ये भजन का सबसे गुह्यतम रहस्य क्या है, सबसे उत्तम कोटि का भजन क्या है। गुरुदेव बताते हैं, सबसे उत्तम कोटि का भजन तो यही है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जप करिए आप, नित्य कीर्तनीय सदा हरि, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। तो इसको स्वीकार करते हैं, जप करते हुए जा रहे हैं, आगे एक रिक्शा वाला मिलता है, रिक्शा पे चढ़ जाते हैं और एक आवाज आ रही है, अरे रिक्शा वाला भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है। रिक्शा से उतरते हैं, आगे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, वो गोबर को बांध रहे हैं और गोबर को बांधते बांधते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। आगे नदिया के किनारे पहुंचते हैं, नदिया के किनारे एक धोबी है और धोबी भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है। वापस गुरु के पास आते हैं, गुरु को बताते हैं, बोले ये क्या आपने गुह्यतम मेरे को रहस्य बताया है, हर कोई व्यक्ति तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, इसमें गुह्य क्या है, इसमें हिडन क्या है। गुरुजी उसको तीन प्रेशियस रत्न देते हैं, जिसे तुम मिले थे तीनों को ये रत्न दे दो। जाता है रिक्शा वाले के पास, लो गुरुजी ने रत्न दिया है। बोले ये रत्न क्या क्या करूँगा। बोले अच्छा ठीक है, मैं रिक्शा चलाते चलाते ना मेरे पैर बहुत काले हो चुके हैं, उसकी सफाई करनी है, तो इस रत्न से उसकी सफाई करूँगा। तो हरे कृष्ण महामंत्र बोलते बोलते अपने पैरों की सफाई करता है उस बहुमूल्य रत्न से। आगे बच्चे के पास जाता है, बच्चे गोबर बांध रहे हैं, उनको ये रत्न दे देते हैं। बच्चे बोलते हैं ये रत्न का क्या करेंगे हम। अच्छा ठीक है, आपने हमें दिया है तो इससे हम गोबर बांधते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र को बोल रहे हैं, साथ साथ गोबर बांध रहे हैं। आगे धोबी को देता है रत्न, धोबी कहता है ये क्या करूँगा, हाँ ठीक है इससे कपड़े साफ कर लेता हूँ, कपड़ों को मैं इसे रगड़ूंगा। तो कपड़ों को रगड़ता है और साथ साथ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार गुरुजी ने शिष्य को भजन का गुह्यतम रहस्य समझाया। हाँ हरे कृष्ण महामंत्र तो सब लोग जप रहे हैं, मगर जो व्यक्ति इस हरे कृष्ण महामंत्र को इस भाव से जपता है कि ये सर्वोत्तम है, दैट इज द टॉप मोस्ट, संसार के बाकी सारे ऐश्वर्य इसके सामने फीके हैं, वो जो भजन कर रहा है वो सर्वोत्तम है, वो सर्वश्रेष्ठ है। हरे कृष्ण महामंत्र की जय।